लहरपुर के हरगांव थाना क्षेत्र के चंद्रा मल्लापुर के निकट ऑटो में सवार युवक से उचक्कों ने उड़ाया मोबाइल, पुलिस को दी गई तहरीर। जानकारी के अनुसार मोहम्मद आशिफ पुत्र सिराजुद्दीन निवासी मोहल्ला इंदिरा नगर लहरपुर ने हरगांव कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर यह बताया है कि बीते गुरुवार को देर शाम ओयल ट्रामा सेंटर से ट्रेनिंग करके घर वापस आ रहा था। ऑटो में अन्य लोग भी बैठे हुए थे। रास्ते में हरगांव रोड जनता ईंट भट्टा ग्राम चंद्रा मल्लापुर के निकट तीन अज्ञात बाइक सवार आए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने यह भी बताया कि जब मोबाइल छीन रहे थे तभी वह ऑटो से सड़क पर गिर गया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। साथ में मौजूद लोगों ने आनन फानन में नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में इलाज के लिए उसको भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। रॉयल ट्रामा सेंटर से ट्रेनिंग करके आ रहे थे, हर गांव से ऑटो पकड़ा था लहरपुर के लिए, ऑटो से आ रहे थे। लगभग यहां मल्लापुर जनता भट्टे के सामने तीन एक मोटरसाइकिल से तीन लोग बैठे हुए थे, उसमें से एक जो है हाथ पकड़ के खींच लिया बाहर की तरफ, दूसरा फ़ोन छीन लिया मेरा, मुझे मतलब फ़ोन छीना है और हम गिर पड़े, चोट काफ़ी आ गई। डॉक्टर बोल रहे हैं कि हसिया टूट गई है। ऑटो में कितने लोग थे? ऑटो में 8 लोग थे। जानते हो जिन लोगों ने मारा? नहीं, जानते नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। रहते कहाँ? इंदिरा नगर लहरपुर। लहरपुर के स्थानीय ब्लॉक में दिव्यांगजन चिन्हित शिविर में पहुंची विकलांग महिला पर गाड़ी चढ़ने से हुई घायल, इलाज जारी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को स्थानीय विकास खंड कार्यालय पर दिव्यांगजन चिन्हित शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के भारी संख्या में दिव्यांग पहुंचे थे। दुलारी पत्नी बबलू उम्र 26 वर्ष निवासी मोहल्ला बदायू टोला भी अपने विकलांग पति के साथ ब्लॉक पहुंची थी। ब्लॉक के गेट पर सड़क के किनारे बैठी हुई थी तभी यूपी 32 LZ 1077 नंबर चार पहिया वाहन ने दिव्यांग महिला के पैर पर पहिया चढ़ा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। गाड़ी ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी अमित कुमार वर्मा की है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसके बाद ग्राम विकास अधिकारी ने ही घायल दिव्यांग महिला को नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। अभिला भैया बैठे रहे बैठे रहे हम बैठे होते तो हमको दिखाई तो परिवे करे कि हाँ चल पैया आ गया हम दबे बैठे रहने करे और वह आए और गाड़ी लेके आए और बस बैठे रहे और लड़ाई नहीं हम गिर पड़े हैं और फिर अगला पैया अब चढ़के चढ़ी गए वहाँ अगला पैया और फिर अगला पैया के बाद जब कहीं नहीं सबको बोले कि मतलब रोक दी से कह रहे होते लुंडिया होते मेरे मरी गए होते चटाई गए एक्सीडेंट हुई हुआ तब वो कहने की रोको रोको आप पीछे करो और पीछे के बजाय हुई आके और उधर सीटें लिए जाते और ये हमारा तो ये सब चिड़िया और ये फूट गए वगैरह लगते हाँ उसी के बाद यहाँ भैया तीन पहिया वाली फार्म है जमा होते रहे तो इनके तेरी साइकिल बेकार हो गए तो हमको हमको मिल जाइए इनको मिल जाइए तो वह फार्म जमा करे गए और फोटो कहना देखी दुकान कहीं फोटो लगी है तो कहीं दुकान देखी जाए खुला हुई है तो फोटो खिंचाई ले बात मरे अपने और वहाँ जब गए रहे दुकान पर वापसी में आवत रहा ये और उसके पास हम है ना अकेले सुनारे रहा रोट के लिए पर मगर हम कहे भैया तुम चल पैया ले आओ हारन बजाई देती तुम्हारे कहाँ रहती हो बताइए